नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कोविड की सेकंड वेव के समय जो लॉकडाउन लगा था, अब उसको थोड़ा अनलॉक किया गया है। मुझे भी घर का बहुत जरूरी सामान लेना था, जिसकी होम डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। इसलिए हम पूरी सावधानी के साथ सामान लेने के लिए घर से निकल पड़े। हम चल पड़े सबसे पहले इलेक्ट्रिक शॉप्स की ओर। अरे वाह, बहुत दिनों के बाद मुझे मेट्रो दिखाई दी। दोस्तों, सब्जी का ठेला सन्नाटे में खड़ा देखकर मैंने सब्जी ले ली और कुछ बातें भी कर ली। उसने बताया कि पूरे लॉकडाउन के समय वह सब्जियों की होम डिलीवरी करता रहा, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। फिर हम आ गए पेट्रोल पंप। ज्यादा भीड़ नहीं थी, सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ये है सेक्टर 50। सेक्टर 50 की मार्केट में ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन ऑफिसेस, बैंक और शॉप्स ओपन दिखाई दे रहे थे। फिर हम आ गए सेक्टर 75, जहां हमने देखा डेली नीड्स वाली शॉप्स ओपन हैं। अभी रेस्टोरेंट क्लोज थे। पतंजलि स्टोर से मैंने जरूरी सामान लिया। ये है सेक्टर 76। यहां पर बहुत कम लोग थे। मिठाई की दुकान पर मिठाई तो ना के बराबर थी, पर हाँ दोस्तों, समोसे जलेबी बन रहे थे। दोस्तों, लीची देखकर मुंह में पानी आ गया। हमने देखा ठेले पर कोई ग्राहक नहीं था, फिर हमने भी लीची खरीद ली। अरे वाह, 1.5 साल में ये मॉल कितनी जल्दी तैयार हो रहा है। ये यहाँ का आने वाला सबसे बड़ा मॉल होगा, जो कि जस्ट मेट्रो स्टेशन के पास है। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा देखकर कि अनलॉक होने के बावजूद हमारे देशवासी बहुत ही सावधानी बरत रहे हैं। बेवजह सड़कों पर नहीं घूम रहे हैं, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर आ रहे हैं। यदि हम इसी तरह संयम से काम लेंगे, तो जरूर जल्दी से हमारा देश कोविड फ्री हो जाएगा।